पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। ये है छोटा हरिद्वार, सब अपनी बाइक ले लेके खड़े हैं पकड़ के, कुछ नहीं पता। वो देखिए इधर देखो क्या हो रहा है। पूरा दिल्ली में अभी हाहाकार मचा हुआ है, यमुना जी का पानी सुप्रीम कोर्ट तक आ जा रहा है। वो जानते हैं क्यों? दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचारी है। क्यों? लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके नाली बनाया जाता है, ड्रेन सिस्टम बनाया जाता है, फिर सब कागजों पर होता है। वो जानते हैं क्यों? कागजों पर टेंडर आता है, कागजों पर नक्शा पास किया जाता है, कागजों पर काम होता है और बिल भी कागजों के माध्यम से पास किया जाता है। क्योंकि जितना पैसा खर्च होता है नाली बनाने में, सड़क बनाने में, ड्रेन सिस्टम बनाने के लिए और ड्रेन सिस्टम सफाई करने के लिए, उसका 50% पैसा जो कि कमीशन में चला जाता है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट वाइजर, जूनियर वाइजर, तो SDM, तो मंत्री, छोटे मंत्री, बड़े मंत्री, मतलब कि 50% से ज़्यादा कमीशन बड़े बड़े मंत्री तक पहुंच जाता है। सारे पैसा जो कि नीचे से ऊपर तक पहुंच जाता है, पूरा का पूरा जितना बजट उससे 50% जो कि गायब। और दिल्ली में टैक्स पेयर परेशान है, व्यापार करने वाले लोग परेशान हैं, मिडिल क्लास लोग परेशान हैं, अपर क्लास लोग परेशान हैं, कि जितने भी लोग टैक्स देता है वो लोग परेशान है, जो नहीं देता है वो भी परेशान है। और जब दिल्ली में, मुंबई में, तो चेन्नई में, पटना में, लखनऊ में, कलकत्ता में जब बाढ़ आता है तब नेता मंत्रियों का पोल खोलता है, नेता मंत्रियों का असली चेहरा सामने आता है। हर साल बाढ़ आती है तो भ्रष्टाचारी का पोल खोलता है और इसके बावजूद हम लोग चुप बैठ जाते हैं। तो भ्रष्टाचारी ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा, इसके लिए भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू करना पड़ेगा। और सिर्फ वन नेशन वन टैक्स लागू करने से भ्रष्टाचारी ख़त्म नहीं हो जाएगा, वन नेशन वन टैक्स लागू करने से उसके साथ साथ भारत का GDP भी बढ़ेगा, व्यापारियों का शोषण कमेगा, व्यापारियों को जो चोर समझा जाता है वो भी कम जाएगा। भारत में इनकम टैक्स तो लागू है ना, इनकम टैक्स लागू है उसके बावजूद भी चोरी क्या कमता है? नहीं कमता है। पुलिस तो है ना, क्या चोरी रुकी क्या? अपहरण रुकी क्या? भ्रष्टाचारी रुकी क्या? CBI है, ED है, NSA है, क्या चोरी भ्रष्टाचारी रुकी क्या? आजकल तो नया GST आ गया, GST का फुल डिपार्टमेंट लगा हुआ है, फिर GST का चोरी रुकी क्या? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि देश के 50% समस्या का मूल कारण है भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए इसका मूल तरीका है जो कि वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स लागू करने से भ्रष्टाचार, जितने भी प्रकार का तस्करी बोलिए, अलगाववादी बोलिए, धर्मनियंत्रण बोलिए, भ्रष्टाचारी बोलिए, सब खत्म हो जाएगा। और ना CBI का ज़रूरत है, ना ED का ज़रूरत है, ना CID का ज़रूरत है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ज़रूरत है, ना GST डिपार्टमेंट का ज़रूरत है, किसी का ज़रूरत नहीं। वन नेशन वन टैक्स लागू कर दीजिए, किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और याद करिए, दुनिया का 40% GDP था भारत में चाणक्य के टाइम में, और उस टाइम किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था, ना इनकम टैक्स था, ना GST टैक्स था, ना वेट था, ना TDS टैक्स था, केवल ही केवल वन टैक्स था चंद्रगुप्त के टाइम में। और भारत का GDP 38 से 40% था, और आज हम लोग 10% GDP जो कि कर नहीं पा रहे। क्यों? जो कि हम लोग व्यवस्था जो किए हैं वो चोर के लिए किए हैं, हमने व्यवस्था जो बनाया है केवल ही केवल ईमानदार लोगों को चोर बना रहा है, और इसी व्यवस्था के चलते काला धन बनाने में कामयाब हो जाता है, इसी व्यवस्था के चलते जो कि भ्रष्टाचारी होता है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि देश में ईमानदारी से लोग आराम से रहें, ना थाने में घुसपैठी हो, ना जज पैसा लेकर अपना काम करे, ना भ्रष्टाचारी हो, इसके लिए चाहते हैं ये जो थाने का दलाली बंद हो जाए, तहसील का भ्रष्टाचारी बंद हो जाए, ये मंत्री से संतरी जो नेटवर्क बना के रखता है पैसा खाने वाला,
ये भ्रष्टाचारी बंद हो जाए। भारत का कुल बजट में से 20-30% बजट जो कि भ्रष्टाचारी में चला जाता है, इस नेता मंत्री के पीछे चला जाता है। 75 लाख करोड़ है भारत का जीडीपी, केंद्र और राज्य मिलाकर 75 लाख करोड़ है, और 75 लाख करोड़ में से जो कि साल में 20% चला जाता है घूसखोरी में और कमीशन खोरी में, विकास कहाँ से होगा? नहीं होगा विकास। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, इसका सालाना जितने भी पैसा आता है इनकम टैक्स के माध्यम से, सालाना डिपार्टमेंट जितने भी अधिकारी हैं उसके वेतन भत्ता गाड़ी में चला जाता है, उसका वेतन, उसका घर द्वार उसके पीछे जो कि चला जाता है 20% पैसा। अरे जीएसटी डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट में जितने भी चपरासी से लेकर बड़े ऑफिसर तक है उसके पीछे चला जाता है वेतन भत्ता गाड़ी पेंशन और बंगला घर, इसमें चला जाता है जो जीएसटी टैक्स आता है सालाना। ईडी जो है, ईडी जितना छापामारी करके पैसा इकट्ठा करता है सालाना में, उसका ईडी का जितने भी डिपार्ट अधिकारी हैं वो वेतन में चला जाता है, भत्ता गाड़ी पैसा पेंशन घर पर में चला जाता है, उसके ऊपर जो एम्प्लॉय वगैरह है उसके पीछे चला जाता है। सीबीआई जो है 50-20 लाख जो छापामारी करके सालाना लाता है वो भी पैसा उसके पीछे चला जाता है, चपरासी से लेकर ऊपर तक एम्प्लॉय तक सीबीआई के पीछे चला जाता है। तो कहाँ से होगा विकास? और इसके बावजूद भ्रष्टाचारी कम नहीं होते। यदि आप भारत से प्यार करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, आप एक राष्ट्रवादी हैं, तो एक बार वन नेशन वन टैक्स लागू करने का मांग कीजिए। और वास्तव में अगर आप लोग वन नेशन वन टैक्स का मांग करते हैं तो इसमें से जो कि व्यापारी बढ़ेगा, इसमें से हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, इसमें भ्रष्टाचारी खत्म होगा, अलगाववादी खत्म होगा, नशा तस्करी खत्म होगा, काला धन खत्म हो सकता है, घुसपैठी खत्म हो सकता है, नशे का कारोबार खत्म हो सकता है, धर्मांतर खत्म हो जाएगा, आतंकवादी खत्म हो जाएगा। सब में पैसा लगता है, सब में काला धन होता है और सब पैसा के बाद चलते ही होता है। जो पूर्वोत्तर आज जल रहा जल इससे बच सकता है तो क्या करना पड़ेगा? 100 रुपये से ज़्यादा कोई नोट नहीं रहेगा, 100 रुपये से ज़्यादा बड़ा नोट का जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि 225 करोड़ खाता खुल चुका है, 130 करोड़ आधार बन चुका है और हर परिवार जो कि बैंक के साथ जुड़ चुका है। अब 100 रुपये से बड़ा कोई नोट नहीं रहेगा, 100 रुपये नोट जेब में रहेगा, नॉर्मली खर्चा आपका 100 रुपये से हो जाएगा। और 80% लोगों का जो कि 100 रुपये खर्चा से चल जाता है, और जो 20% लोग उसका तो ATM पेटीएम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो ATM कार्ड ये तो है, और 225 करोड़ बैंक में खाता खुल चुका है, हर परिवार जो कि बैंक के साथ जुड़ चुका है, 48 करोड़ जनधन खाते यानी कि दलित आदिवासी बैंक के साथ जुड़ चुका है, तो 100 रुपये से ज़्यादा कोई बड़ा नोट बंद करना पड़ेगा। और अगर कोई सामान किसी कैश के माध्यम से नहीं खरीदा जाएगा, अगर 5000 से ज़्यादा किसी सामान का MRP रहता है तो उसको किसी कैश के माध्यम से नहीं खरीदा जाएगा, उसको जो कि गूगल पे फोन पे पेटीएम के माध्यम से करना पड़ेगा। ऐसे में बैंक का पैसा निकालने का लिमिट सेट हो, अगर आप महीने में जितना कमाते हैं उसका 20% पैसा जो कि कैश आप बैंक से निकाल सकते हो और बाकी 80% पैसा आप बैंक के माध्यम से कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जितने भी संपत्ति है आधार के साथ लिंक करवाना पड़ेगा और एक कानून जो कि बनाना पड़ेगा, और एक चीज़ करना पड़ेगा जो कि नार्को पॉलीग्राफ बिन वेपन टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये जो काले कुबेर है ना, ये ईमानदारी से मुंह खोलता नहीं, इतना पावरफुल है। पुलिस नेता मंत्री जितना भी डंडा लगा दीजिए किसी से डरता नहीं है। और आपको याद होगा ना कि गमले से गोभी निकालने वाला अभी आराम से घूम रहा, और 1,86,000 करोड़ रुपया का कोयला घोटेला हुआ, फिर भी ना किसी को आजीवन कारावास हुआ ना फांसी का सजा दिया गया, फिर 1,76,000 रुपये का 2G का घोटाला हुआ, ना किसी को आजीवन कारावास हुआ ना फांसी हुई, 70,000 करोड़ का कॉमनन घोटाला हुआ, फिर भी किसी को फांसी हुआ ना किसी को कारावास हुआ, और होगा भी नहीं। वर्तमान व्यवस्था को ख़त्म किए बिना, वन नेशन वन टैक्स लागू किए बिना भ्रष्टाचारी ख़त्म नहीं होगा। ये जो भ्रष्टाचारी ख़त्म करने के लिए वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन कानून लागू करना पड़ेगा। GST टैक्स, इनकम टैक्स, वेट टैक्स, TDS टैक्स, ये सब सारे चीज टैक्स को ख़त्म करना पड़ेगा और वर्तमान में वन नेशन वन टैक्स जो कि लाना पड़ेगा। और सारे टैक्स को ख़त्म करने के बाद
एक ही उपाय है जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू कोई पैसा अदला बदली करता है, लेता है, देता है, तो उसको 100 रुपया में 1 रुपया देना पड़ेगा। 1000 रुपया अगर देता है या लेता है तो उसको उसमें 1010 रुपया देना पड़ेगा। अगर 1,00,000 रुपया अगर कोई लेता है देता है तो उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि 1000 रुपया 1,00,000 में लगेगा। तो इस तरीके से अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स अगर लागू किया जाता है तो हिंदुस्तान जो कि भ्रष्टाचारी से बच सकता है, देश विरोधी से बच सकता है, तस्करी से बच सकता है, कालाधन से बच सकता है, घुसपैठी से बच सकता है, हर प्रकार का समस्या से बच सकता है। वन नेशन वन टैक्स जो कि लागू करना पड़ेगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि लागू करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। आप अगर किसी आईपीएस पुलिस ऑफिसर को जानते हैं तो उसके पास शेयर करना। अगर आप किसी नेता मंत्री को, विधायक को, सांसद को जानते हैं तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करना। आप अगर बड़े जज को जानते हैं, वकील को जानते हैं तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करना। आप अगर किसी धर्म गुरु के साथ अगर कन्वर्ट हैं या उसके करीबी में हैं तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कोई अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।